मैं मुख्तार शाह स्टेक होल्डर गुलमर्ग का हूँ और यहाँ हम बैठे हैं सारे स्टेक होल्डर्स इस हॉल में अभी बैठे हैं। जो आज हमारी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई उसमें जो ये एक्ट आया है, जो ये नया रूल आया है लैंड ग्रांट एक्ट, उस लैंड ग्रांट एक्ट के तहत जैसे यहाँ के सारे स्टेक होल्डर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं जिनकी लीज अभी, जैसे हम लोगों के पास लीज थी 99 इयर्स की, जिसमें अभी 40 ईयर ख़त्म हो चुके हैं, जिस बुनियाद पे आज एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हमें कहती है कि लीज आपकी एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ हम दो तीन चीज़ें देख रहे हैं, लीज़ अगर एक्सपायर हुई है 40 साल हुए हैं और हमारे हिसाब से 90 साल अभी मौजूद थे, और उन 40 सालों में हमने जब देखा पिछले 30 साल यहाँ जो काफ़ी टर्माइल रहा, हालात ख़राब रहे, सारे होटल बंद रहे, उसके बाद बचे 10 साल में हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, 6-6, 7-7 साल लगे गुलमर्ग में होटल बनाने में, तो 3-4 साल अगर मिले किसी को काम करने के, वो 3-4 साल में वो 40 साल को कवर कैसे कर पाएगा। अब आज की डेट में हमारे मौजूदा हुकूमत की वसालत से, सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से, यहाँ काफ़ी सारे इवेंट्स होने के बाद अब टूरिज़्म एक दिशा पे चल रहा था, अभी एक अच्छी दिशा की ओर जा रहा है, जिससे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट हो रही है। कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट थी पिछले 30-40 साल से, वो आगे जाके ठीक होने वाली थी, और जो हम देख रहे हैं अभी भी अच्छी जा रही है क्योंकि टूरिज़्म अच्छी दिशा की ओर जा रहा है। अब गुजारिश हमारी ये है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी लीज़ रिन्यू करवा देंगे, हम पुर उम्मीद है आज भी हम पुर उम्मीद है कि हमारी लीज़ रिन्यू हो जाएगी, जिसके अभी 659 ईयर अभी मौजूद है एज़ पर लीज़ एग्रीमेंट, उस हिसाब से वो लीज़ हमें उम्मीद है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो हमारी लीज़ को करवाने में हमारी मदद करेंगे, हमारे गवर्नर साहब टूरिज़्म सेक्टर को। हम इस उम्मीद से हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रॉमिस किया है, हम उस वादे के साथ जुड़े हैं, उसके बाद जब उन्होंने हमारे साथ वादा किया उस वादे के साथ हम उम्मीद में हैं, ये उम्मीद है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अभी प्रोविजंस है, जहाँ तक हमें लग रहा है कि हमने अपने लीगल एडवाइज़र से जो एडवाइस ली है अभी, उसमें ये है कि प्रोविज़न है कि हम दोबारा इन होटल्स को आगे जाके चला सकेंगे। नहीं, हम सिर्फ यही कहते हैं कि हम इल्तिजा करेंगे गवर्नमेंट से, सिर्फ इल्तिजा करेंगे, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है।